नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशली भंडारी और सबसे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत इस बुलेटिन की करेंगे। ट्विटर पर छाया हैशटैग योगी जी नंबर वन। जी, अब तक 50,000 से ज्यादा लोग हैशटैग से जुड़े हैं। ट्विटर पर लोग सीएम योगी को बधाई दे रहे हैं। इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए बधाई दी जा रही है। हैशटैग के साथ लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। अब तक 50,000 से भी ज्यादा लोग हैशटैग से जुड़े हैं, तो बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको यहाँ पर दे रहे हैं। तो इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए उन्हें बधाई दी जा रही है। ये बड़ी उपलब्धि भी बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। और अब तक 50,000 से ज्यादा लोग हैशटैग से जुड़े हैं। बड़ी खबर, ट्विटर पर लोग सीएम योगी को बधाई दे रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। हैशटैग के साथ लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं। ये बड़ी खबर, अब तक 50,000 से ज्यादा लोग हैशटैग से जुड़े हैं। ट्विटर पर लोग सीएम योगी को बधाई दे रहे हैं। तो इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए उन्हें बधाई दी जा रही है। ट्विटर पर छाया हैशटैग योगी जी नंबर वन, तो हैशटैग के साथ नंबर वन पर। और अब तक 50,000 से ज्यादा लोग हैशटैग से जुड़े हुए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, बाढ़ प्रभावित इलाकों में सीएम योगी जी आज दौरा करेंगे। महाराजगंज का दौरा करेंगे, बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री का वितरण करेंगे। प्रभावित जिलों का हवाई सर्वे भी करेंगे सीएम। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। शेजनवा कैंपनियरगंज में सीएम राहत सामग्री जो है वो वितरित करेंगे। तो दोपहर 2:30 बजे वाराणसी रवाना हो जाएंगे। इसके बाद तो बाढ़ प्रभावित इलाकों में हवाई सर्वेक्षण जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सुभाष गुप्ता संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं गोरखपुर से ज्यादा जानकारी के साथ। सुभाष, आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल अंजलि, मैं बता दूं आपको कि बीते 3 दिनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जा रहे हैं और वहां के बाढ़ प्रभावित लोगों से मिल रहे हैं और पीड़ितों से मिल रहे हैं, उनकी हाल चाल जान रहे हैं और साथ में उनको राहत सामग्री भी दे रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बता दें कि अधिकारियों को सख्त लहजे में उन्होंने कह भी दिया है कि किसी भी बाढ़ पीड़ितों को जो है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे लाइटिंग की, मतलब बिजली की अच्छी व्यवस्था रखने के लिए उन्होंने हिदायत दे डाली है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में फरियादियों से मिले, उसके बाद वो अब से थोड़ी देर में महाराजगंज के लिए रवाना होंगे और महाराजगंज के धानी ब्लॉक में वो जाएंगे। वहां पे बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे और वहां पे राहत सामग्री बांटेंगे। उसके बाद वो गोरखपुर, यानी कि अगला जो उनका 2 घंटे का कार्यक्रम है वो महाराजगंज और गोरखपुर के कैंपियरगंज में भी वो आएंगे और कैंपियरगंज में जो है जेपी इंटर कॉलेज है वहां पे बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे, बाढ़ पीड़ितों से उनके हाल चाल जानेंगे और उनको राहत सामग्री देंगे। साथ ही उसके बाद वो सहजनवा, गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र में जाएंगे, वहां मुरारी इंटर कॉलेज में जो है वहां बाढ़ पीड़ितों को इकट्ठा किया गया है और वहां पे वो बकायदे उनसे मिलेंगे और उनका हाल चाल जानेंगे। यानी 3 दिन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ पीड़ितों के बीच में जा रहे हैं और बकायदे वहां का हाल चाल जान रहे हैं और उनसे मिलकर जो भी उनकी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो तुरंत जो है अधिकारी को वही निर्देश दे रहे हैं और सख्त हिदायत दे रहे हैं कि सख्त से सख्त जो है हिदायत देखिए कि यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए और इनको कोई भी दिक्कत ना हो। बिल्कुल सुभाष, हालांकि काफी नुकसान जो है वो भी हुआ है इस बारिश के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों में, खासकर हम देख पा रहे थे काफी स्थिति जो है वो बद से बदतर है। तो ऐसे में बाढ़ प्रभावितों के लिए कोई राहत राशि का भी ऐलान यहाँ पर किया जा सकता है? देखिए, बता दें आपको अंजलि की बेमौसम, यानी कि अक्टूबर के महीने में जो बारिश हुई है और नेपाल ने जो पानी छोड़ा है, ऐसी उम्मीद नहीं थी जिला प्रशासन को। हालांकि जिला प्रशासन, बरसात का मौसम तो चल ही रहा था इससे पहले, सितंबर के पहले भी सब बरसात का ही मौसम था, तो कहीं ना कहीं इसमें आप ये जान लीजिए कि उनको उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से जो है नेपाल पानी छोड़ देगा और इस तरीके से लगातार 1 हफ्ते बारिश हो जाएगी। बहरहाल जो भी है वहाँ पे व्यवस्थाएं पूरी तरह की जा रही है, पूरी कोशिश की जा रही है कि बाढ़ पीड़ितों को
कोई दिक्कत ना हो जाए। अभी तक सहायता राशि का कोई ऐलान अभी तक तो नहीं हुआ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सुभाष, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे इस खबर पर। एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है ज्ञान व्यापी मामले से जुड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बता दें, बड़ी जानकारी यहां पर आ रही है, इंदू पल्स ने कार्बन डेटिंग की मांग की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, 11 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई और वैज्ञानिक सर्वे पर आज फैसले का दिन बना हुआ है। तो बड़ी खबर करते शिवलिंग की, कार्बन डेटिंग, हिंदू पक्ष ने कार्बन डेटिंग की मांग की है और जानकारी आपको दे दें, 11 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई थी। तो वैज्ञानिक सर्वे पर आज फैसले का दिन है। धर्मेंद्र 24 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं हजार जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, क्योंकि अब फिलहाल पूरी तरीके से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है ज्ञान व्यापी मामले को लेकर, क्योंकि कार्बन डेटिंग को लेकर सुनवाई जो है वो हुई और उसके बाद वैज्ञानिक रिपोर्ट पर आज फैसला होने जा रहा है। देखिए अंजलि, मैं बताना चाहूंगा, ज्ञान व्यापी मैगजीन में मिले सेलिंग की कार्बन डेटिंग के मामले में आज आदेश आएगा। इसके लिए जिला जज अजय कुमार विशेष ने मुस्लिम पक्ष को उन्होंने आपत्ति दाखिल करने का समय भी दिया, उसके बाद कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रखा है। मामला आज पूर्णतया जो है ज्ञानवापी में कार्बन डेटिंग को लेकर है और उसके बाद मां त्रिंगार गौरी की नियमित दर्शन पूजन की सुनवाई होगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 11 तारीख को मुस्लिम और हिंदू पक्ष में दोनों ने अपना पक्ष रखा, लगातार आपत्ति का दौर चलता रहा। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि भौगोलिक स्थिति जो है, संरचना है, जो कार्बन डेटिंग होगी उससे कहीं ना कहीं बिगड़ सकती है, अतः इसे खारिज कर दिया जाए। वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि जब तक कार्बन डेटिंग नहीं होगी तब तक यह स्पष्ट नहीं होगा कि आदि विशेष्वर वहां विराजमान है या नहीं है, अथवा जिन चीजों की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक संरचना जब तक क्लियर न हो जाए तब तक आदि विशेष्वर की जो सुनवाई की बात हो रही है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो दोनों पक्षों की जो दलील थी, लगातार 2 घंटे चलने के बाद अजय कुमार विशेष ने फैसले को सुरक्षित रख लिया और आज लगभग 2 बजे फैसला आएगा। उसके बाद मां श्रृंगार गौरी की नियमित दर्शन पूजन के मामले पर भी सुनवाई 2 बजे के बाद से प्रारंभ हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मामला बहुत तेजी से चल रहा है अंजलि, ये लग रहा है लगभग फैसला आज जो है जिला न्यायाधीश वाराणसी द्वारा आने की संभावना पूरी जताई जा रही है, क्योंकि 1 और 2 डेट ऐसे हैं जिसपे दोनों पक्षों की आपत्ति और तमाम दलीलों को सुनने के बाद जिला जज ने फैसले को सुरक्षित रखा है और आज जो है फैसला लगभग 2 बजे सुनाएंगे। उसके बाद मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की सुनवाई आगे प्रारंभ की जाएगी। अंजलि, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र 24 तमाम जानकारी के लिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, उधर हिजाब मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया, लेकिन दोनों की राय अलग अलग थी, इसलिए मामला फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथों में है। मामले में अब लार्जर बेंच के गठन के बाद इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। वहीं कर्नाटक से शुरू हुए इस मामले का असर अब कई राज्यों में भी दिखने लगा है, खासकर उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामले को लेकर छात्राओं के बीच में एक आशंका जरूर है और उलेमाओं ने भी सुप्रीम कोर्ट के जज का हवाला देते हुए कहा है कि सभी छात्रों और छात्राओं का राइट टू एजुकेशन और राइट टू वेयर का अधिकार है, ये ताकत संविधान देता है। कर्नाटक हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है, उसमें 2 जज जो जिनकी बेंच थी उनके फैसले अलग अलग हैं। एक का मानना है कि जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला किया उसे सही माना, दूसरे जज ने उसको रद्द किया। फिलहाल कुछ छात्र हमारे साथ हैं, जो छात्राएं हमारे साथ हैं जो हिजाब पहने हुए हैं और आप देख सकते हैं आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसमें अलग अलग राय है जजों की, 2 जजों की। क्या मानना है आपका कि ये फैसला किस तरह से होना चाहिए, क्या देखना चाहिए और किन बिंदुओं को खासकर ध्यान में रखकर फैसला देना चाहिए? जो हिजाब को लेकर के पूरे देश भर में कॉन्ट्रडिक्शन फैला हुआ है कि लड़कियां हिजाब लगा कर आती हैं, फर्स्टली ये कि देखा जाता है कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में जो लड़कियां हिजाब लगा कर आती हैं वो वायलेट करती हैं ड्रेस कोड को, तो ये बिल्कुल गलत है, ये सरेआम गलत है। और हमारी कंट्री में देखा जा रहा है कि जो लड़कियाँ हिजाब लगा रही हैं उनको ऐसा देखा जाता है कि उनके जो फैमिलीज़ होती हैं, फैमिली मेम्बर उन पर ज़बरदस्ती करते हैं कि अगर आप घर के बाहर जा रही हैं तो आप हिजाब लगा के जाएँ, आप अगर कहीं और जा रही हैं शॉपिंग के लिए जा रही हैं, कहीं और जा रही हैं तो आप हिजाब लगा के जाएँ, पूरा पर्दा करके जाएँ। ऐसा कुछ भी
नहीं है, ये हमारी खुद की पर्सनल चॉइस है, खुद की पर्सनल राइट है जिसपे हम लोग आगे आते हैं और हम लोग अपने हिसाब से लगाते हैं, हमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते इस चीज की। तो आज एक जज ने जिन्होंने फैसला दिया है उसमें उन्होंने कहा भी है कि राइट टू एजुकेशन और राइट टू चॉइस स्टूडेंट के पास होनी चाहिए कि वो क्या पहनेंगे और कहाँ पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप लोग की क्या सोच है और जो कर्नाटक से मामला शुरू हुआ फिलहाल क्या लगता है कि अगर इस तरह का फैसला आता है कि हिजाब पर रोक लगती है तो अलग अलग राज्यों में भी इसको लागू किया जाएगा, तब किस तरह से क्या सोचती हैं, तब कैसे इस फैसले को देखेंगे? मुझे लगता है अगर हम मुस्लिम लड़कियां अगर एजुकेशन और रिलीजन दोनों को पैरेलल ले जा रहे हैं, एजुकेशन और रिलीजन को साथ साथ ले जा रही हैं, तो उस पर लाइक एतराज नहीं होना चाहिए। हम लड़कियों को मतलब कुछ फैमिली देखेंगी मुस्लिम जो हिजाब पहनते हैं, नकाब पहनते हैं, जो नहीं फॉलो करते हैं और कुछ लोग पहनते हैं, तो ये हम लोग की पर्सनल चॉइस होती है। लोगों को लगता है कि हम लोग को लाइक प्रेशराइज किया जा रहा है, पेरेंट प्रेशराइज कर रहे हैं कि तुम्हें पहनना है तो पहनना है, बट ऐसा नहीं होता। ये हम लोग की पर्सनल चॉइस होती है, हम लोग सिक्योर फील करते हैं एजुकेशन लेते वक्त, हम लोग को किसी का दबाव नहीं। लेकिन देखिए इसमें मसला ये है कि जो विपक्ष के जो वकील है, मतलब जो हिजाब के खिलाफ वकील ने अपनी एक दलील दी है और कहा है कि ये जरूरी नहीं है, तो जब जरूरी नहीं है तो इसको फिर क्योंकि ये उल्लंघन होता है स्कूलों में जो ड्रेसें हैं उनको पहले से उनका एक कलर डिसाइड होता है, तो ऐसे में हिजाब जरूरी नहीं है तो इसको इसलिए हटाने की उन्होंने दलील दी है। आई थिंक जरूरी से इसका कोई लेना देने नहीं है, एक लड़की की पर्सनल चॉइस है कि वो करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। बहुत से हम लोग जो ये हिजाब करते हैं और नकाब पहनते हैं, वी फील सिक्योर एंड वी फील वेरी प्रोटेक्टेड इन दिस। ड्रेस कोड में हम उतना कंफर्टेबल नहीं होते, आई थिंक अनलेस एंड अंटिल हम पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं होंगे, हम पूरी तरह से मेंटली ठीक नहीं होंगे, हम पढ़ाई नहीं कर सकते ठीक से, तो इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। और ये कोई कंपल्शन नहीं है हमारे ऊपर, अगर हम पहनना चाहें तो पहन सकते हैं, हमें से किसी की भी फैमिली ने हमें फोर्स नहीं किया है ये हिजाब या नकाब पहनने के लिए, ये हमारी पर्सनल चॉइसेस हैं, हम पहनना चाहते थे इसीलिए हम पहनते हैं और इस तरह से हम अपने रिलीजन को भी ओबे करते हैं। देखिए आपने कहा कि स्कूलों में, लेकिन अगर स्कूलों में जैसे कि जो ड्रेस है जो कलर्स की कही जाती है अगर उसी का हिजाब पहनते हैं तो क्या उससे कोई दिक्कत है? ऐसा कुछ इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और हिजाब पहन के हम लोग कंफर्टेबल और प्रोटेक्टेड फील करते हैं। और अगर एक स्टूडेंट एक गर्ल स्टूडेंट अपने यूनिफॉर्म में कंफर्टेबल फील करके फिर स्कूल जा रही है तो ये ज्यादा, वरना उसका ध्यान पढ़ाई से हट के और चीज़ों में आएगा, ये सब चीज़ें हमारी पढ़ाई में एक हिंड्रेंस लाएंगी। और ये कहा जाता है कि हम लोग को अप्रेस करा जाता है इस वजह से हटाया जा रहा है, तो ऑपरेशन बिल्कुल नहीं है हमारे ऊपर किसी भी तरीके का, ना फैमिली का ना किसी भी चीज़ का। और ये सब चीज़ें सिर्फ हमारी पढ़ाई में एक रुकावट ला रही हैं कि हिजाब न लगा के स्कूल जाना और ये सब। तो ये जो अगर मान लीजिए अभी क्योंकि अब CJI के पास ये पूरा मामला पहुंच चुका है चीफ जस्टिस के पास और वो बेंच का गठन करेंगे और उसके बाद इसका फैसला आएगा, आप लोग मेंटली क्या इसके लिए प्रिपेयर हैं कि क्या फैसला आएगा, उसको किस तरह से लागू किया जाए या फिर आगे की कोई और लड़ाई देखी जाती है? देखिए जो भी उनका जजमेंट होगा हम उसको फॉलो करेंगे, बट ऑब्वियसली हम यही चाहते हैं कि हमें अगेन चूज करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जो भी जो करना चाहता है उसके लिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए ये छात्राएं हैं जो यहाँ पढ़ती हैं और हिजाब में खासकर ये आते हैं और उन लोगों का कहना है कि जो पढ़ाई में ये सब चीज़ें रुकावट पैदा करती हैं क्योंकि क्या पहनना है क्या पढ़ना है इसका अधिकार उन्हें संविधान से मिलता है, तो फिलहाल इस तरह की रुकावटें पैदा नहीं करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को धर्म और एजुकेशन को एक नज़र से देखना चाहिए कि अगर कोई धार्मिक अपनी भावनाओं को आत ना करते हुए अगर एजुकेशन हासिल करना चाहता है तो उसे पूरा मौका देना चाहिए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ तखर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। तो हिजाब मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने अपना अपना फैसला सुनाया, लेकिन दोनों की राय अलग अलग थी, इसलिए मामला फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथों में है। मामले में अब लार्जर बेंच के गठन के बाद इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। वहीं कर्नाटक से शुरू हुए इस मामले का असर अब कई राज्यों में भी देखने लगा है, खासकर उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामले को लेकर छात्राओं के बीच में एक आशंका जरूर है। और उलेमाओं ने भी सुप्रीम कोर्ट के जज का हवाला देते हुए कहा है कि सभी छात्राओं और छात्रों को का राइट टू एजुकेशन और राइट टू वेयर का अधिकार है, ये ताकत संविधान देता है। अभी जो फैसला आया दो जजों की बेंच ने दिया उसमें जस्टिस गुप्ता ने जो फैसला दिया है वो फैसला, वो जो देश की कट्टरपंथी सोच है वो लोग खुश हैं, और जस्टिस धुलिया ने जो फैसला दिया है कि उन्होंने कहा हाई कोर्ट का फैसला गलत, उसको गलत ठहरा दिया, वो देश की सेकुलर सोच को जाहिर करता है। हम सब लोग जस्टिस धुलिया का स्वागत करते हैं। देखिए ये देश हमारा, हम सब का देश है, इसको आगे भी हम ही लोगों को लेके जाना है। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, सबका सम्मान, लेकिन पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में किसी भी स्कूल में जो यूनिफॉर्म है उसमें टर्बन पगड़ी उस यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं होती है, लेकिन चाहे वो लखीमपुर हो चाहे कर्नाटका हो चाहे आंध्रा हो चाहे बंबई हो कहीं भी, जब
हमारे सिख भाई बच्चे, सिख बच्चे, हमारे सिख भाइयों के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो पगड़ी पहन के जाते हैं, जबकि यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि हम सेकुलर सोच के लोग हैं। हिजाब हमारा फंडामेंटल राइट और हमारा मजहबी हक है, और यही बात आज जस्टिस धूलिया साहब ने भी अपने फैसले में कही है। और मुझे लगता है कि जस्टिस धूलिया साहब ने जो बातें कही हैं वो ऐन कानून के मुताबिक और संविधान के मुताबिक हैं, और हिजाब के ताल्लुक से यकीनी तौर पर इन बातों को कतई तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। हिजाब का ताल्लुक मजहब से भी है और हमारे बुनियादी हुकूक से भी है, और हमारा बुनियादी मकसद यही है कि के बच्चों को आला से आला तालीम से आरास्ता किया जाए। और इस ताल्लुक से अगर हमारे जज फैसला करते हैं और इस बुनियादी नुक्ते को अपने जहन में रखकर बात करते हैं, तो यकीनी तौर पर न तो संविधान के ख़िलाफ़ कोई बात होगी और न मजहब के ख़िलाफ़ कोई बात होगी। इसलिए मेरा यही मानना है कि जस्टिस धूलिया साहब के ही फैसले को और उनके नज़रियात को बुनियाद बनाकर आगे की कार्रवाई सुनने की और उस पर अमल करने और उस पर फैसला करने की ज़रूरत है। देखिए, ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियाँ और जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे, और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी नुकसान, न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। आज हिजाब मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने जो बातें कही हैं कि राइट टू एजुकेशन और राइट टू चॉइस, और ये बच्चियों की अपनी चॉइस है कि वो सर कवर करें ना करें, लेकिन एजुकेशन के रास्ते में कोई रुकावटें नहीं डालनी चाहिए, और इन तमाम बातों को हम लोग वेलकम करते हैं। और जिस तरीके से मामला लार्जर बेंच को रिफ़र किया गया है, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लार्जर बेंच जो हिजाब का जो मजहबी एंगल है उसको सीरियसली ज़रूर कंसिडर करेगा। और वह एंगल यही है कि जो कुछ भी अल्लाह ने कुरान में और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, वो तमाम बातें हमारे यहाँ एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ आर रिलीजन है। और हिजाब के सिलसिले में अल्लाह ने कुरान की सूरह अहज़ाब और सूरह नूर में मुस्लिम बच्चियों को ये हुक्म दिया है कि जब सर घर से निकलें तो अपना सर कवर कर लें। लिहाजा बच्चियों को हिजाब करने से रोकने का कानूनी भी किसी को कोई हक और इख्तियार हासिल नहीं है।